सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम लोग कवर कर रहे हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, लेसन 7, पर्यावरणीय रसायन। पर्यावरणीय रसायन को इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, जो केमिस्ट्री का लास्ट का चैप्टर है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पढ़ने में उतना मन नहीं लगाते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है, वीडियो शूट की है, ताकि जिन जिन स्टूडेंट को पढ़ने की मन नगर है, वो सर से निगाह से एक बार हमारे वीडियो को देख लें। यदि वीडियो का स्पीड कम लगे तो वीडियो का स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप आते हैं अपने टॉपिक्स पर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेन फंडामेंटल, मेन बेसिस कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मीन्स पर्यावरणीय रसायन होता क्या है, ठीक है। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वातावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का स्टडी किया जाता है, पर्यावरणीय रसायन कहलाता है। व्हाट आई एम सेइंग प्लीज अंडरस्टैंड, कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वातावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं पर्यावरणीय रसायन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, भौतिकी रसायन, जीव रसायन, औद्योगिक रसायन, जीव रसायन, कृषि रसायन, नाभिकीय रसायन आदि, ये सब कौन से रसायन होते हैं, मीन्स किस रसायन के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरणीय रसायन के, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण मीन्स इन्वायरमेंट्स क्या होता है, हमारे चारों तरफ का परिवेश पर्यावरण कहलाता है। यह मुख्यतः अजैविक मीन्स निर्जीव तथा जैविक मिश्र सजीव घटकों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण के मुख्य चार घटक होते हैं, कौन कौन से हैं, फर्स्ट वायुमंडल, सेकंड जलमंडल, थर्ड स्थलमंडल एंड फोर्थ जैवमंडल, ठीक है। इन चारों का बारी बारी से स्टडी करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं वायुमंडल। पृथ्वी की सतह से लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। इसमें पाए जाने वाली मुख्य गैसें जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा 1% में सभी गैसें हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, O3 मीन्स ओजोन, HE हीलियम, AR आर्गन, 18 क्रिप्टान, KR 36 कोबाल्ट CO एंड NH3 मीन्स अमोनिया तथा जल वाष्प मिस H2O पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं कि मतलब वायुमंडल में जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती हैं और 1% में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो आप बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टान, कोबाल्ट, अमोनियम तथा जल वाष्प H2O पाए जाते हैं, ठीक है। वायुमंडल के प्रमुख क्षेत्र क्षोभ मंडल, मतलब 0 से 11 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। समताप मंडल 11 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 85 किलोमीटर के बीच होता है तथा ताप मंडल 85 से 500 किलोमीटर के बीच फैला होता है, ठीक है। आप इसको रिमेम्बर कर लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। वर्षा का होना, बिजली का चमकना, तूफान आना, ऋतु परिवर्तन आदि घटनाएं इनमें होती रहती हैं। क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प पृथ्वी की सतह से आने वाले उसमें विकिरणों को अवशोषित करके इन्हें पृथ्वी पर वापस लौटा देते हैं, जिससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। एक डिफिनेशन और बन गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, हो सकता है कि आगे भी ग्रीन हाउस प्रभाव का जिक्र किया जाए, ठीक है। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर समताप मंडल क्षेत्र में होता है और इसमें ही ओजोन परत होती है मिस O3, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उन्हें ऊष्मा में परिवर्तित कर देती है। इस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, अतः इसे समताप क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। मीन्स कोई चेंजेस नहीं होती है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल क्षेत्र होता है। इसका ताप -2 से -92 डिग्री सेल्सियस होता है। यह ठंडा क्षेत्र होता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और O2+ तथा NO+ उपस्थित होते हैं। वायुमंडल का सबसे बाहरी ऊपरी क्षेत्र क्या कहलाता है, तापमंडल कहलाता है, होता है। इस क्षेत्र का ताप
ऊपर बढ़ने के साथ साथ -90 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। इसमें O2+, O+, NO+, E- आदि का कण्विक मान रहते हैं और यह क्षेत्र 500 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक के परिसर में फैला रहता है। यह क्षेत्र इंटरसेटेलर स्पेस कहलाता है। आप इस पॉइंट को याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है जलमंडल। पर्यावरण के इस भाग में पृथ्वी पर उपस्थित जल के सभी स्रोतों जैसे सागर, झीलें, तालाब, नदियाँ आदि सम्मिलित हैं। जल तीनों अवस्थाओं में मिस ठोस, द्रव एंड गैस, ठीक है। ठोस बर्फ के ग्लेशियर, द्रव नदियाँ तथा वाष्प नमी के रूप में भी माना जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 75% भाग जलमंडल द्वारा घिरा रहता है। समुद्री भाग के तीन क्षेत्र होते हैं, ऊपरी क्षेत्र, ठीक है। ऊपरी क्षेत्र क्या होता है? यह पृथ्वी की सतह से 500 मीटर गहराई तक का क्षेत्र है। सोलर विकिरणों को अवशोषित करने के कारण इसका ताप 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सेकंड है मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र क्या होता है? समुद्र का यह भाग 500 से 2000 तक होता है, ठीक है। थर्ड है गहरा क्षेत्र। यह सबसे गहरा तथा ठंडा मिस 0 से 5 डिग्री सेल्सियस क्षेत्र है। ध्रुवों के समीप केवल ठंडा क्षेत्र उपस्थित रहता है। एंड तीसरा पॉइंट है स्थल मंडल। पर्यावरण के इस भाग में पृथ्वी पर उपस्थित ठोस अवयव जैसे मिट्टी, चट्टाने, पर्वत आदि सम्मिलित हैं। पृथ्वी का 8 से 40 किलोमीटर आंतरिक मोटा ठोस भाग भूपर्पटी कहलाता है। इसके सबसे ऊपरी भाग में चट्टाने तथा कार्बनिक द्रव होते हैं, मृदा कहलाता है। यह स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसमें पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और इसमें खनिजों का संग्रहार भी कहते हैं। फोर्थ क्या है? जैवमंडल। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैवमंडल। यह स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का वह भाग है जहाँ जीवित जीवधारी एक साथ रह सकते हैं। यह क्षेत्र समुद्री सतह से 100 किलोमीटर नीचे तथा 6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। जैवमंडल में अनेक महत्वपूर्ण भू जैव चक्र जैसे जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र आदि चलते रहते हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक्स है वायुमंडल का महत्व, ठीक है। मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमोस्फियर। फर्स्ट देखिए, यह पृथ्वी पर जीवन के अतिरिक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है, जैसे मनुष्य एवं अन्य जीव जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मिस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पौधों की वृद्धि एवं पोषण के लिए N2। N2 मीन्स नाइट्रोजन अत्यंत आवश्यक है। जल वाष्प वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करते पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को अवशोषित एवं पृथ्वी द्वारा उनके पुनः उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखता है, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है? पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। हमारे चारों तरफ उपस्थित पर्यावरण में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक स्वरूप में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो मानव जीव जंतु वनस्पतियों तथा सौंदर्य प्रतीकों को हानि पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। और जो पदार्थ प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। इस टॉपिक्स को आप याद करेंगे कि प्रदूषक किसे कहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि जो पदार्थ प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण मीन्स टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं साइंस की भाषा में चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है वायु प्रदूषण। वायु के संगठन में प्राकृतिक या कृत्रिम मीन्स मानव निर्मित क्रियाओं द्वारा अन्य पदार्थों का समावेश हो जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारण मीन्स कौन कौन से फैक्ट हैं जिसके कारण से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। फर्स्ट, ताप बिजली घरों, कारखानों की चिमनियों द्वारा तथा घरेलू ईंधन के दहन पर मुक्त धुओं में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड में CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। गैसें वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं।
सेकंड पॉइंट क्या है, स्वचालित वाहनों तथा मशीनों आदि में जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल मीन्स LPG लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस CNG सेंट्रल नेचुरल गैस आदि के दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड सल्फर ऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड NO, PV मीन्स लेड तथा अन्य विषैली गैसें मुक्त होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। थर्ड पॉइंट है, कृषि उपज बढ़ाने तथा फसलों को कीट पतंगों से सुरक्षा करने के लिए विभिन्न रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से विषैली गैसें उत्पन्न होती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्प्रे पेंट फर्नीचर पॉलिश के प्रयोग में विभिन्न विलायकों में वाष्पशील हाइड्रोकार्बन पदार्थ उपस्थित होते हैं जो वायु में मिश्रित होकर वायु को प्रदूषित करती हैं। फिफ्थ है, मृत जीव जंतुओं का सही समय पर उचित निस्तारण न होने के कारण इनमें मुक्त O3 मिस ओजोन SO2 मिस सल्फर ऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा Cl क्लोरीन 17 हरे पेड़ पौधों एवं उन पर लगे फल एवं फूल को प्रभावित करते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है, कोयले की खानों अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण उर्वरक तथा सीमेंट बनाने वाले कारखानों से गंधक जिप्सम, देखिए जिप्सम जिप्सम और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है CaSO4.5H2O, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम को कहते हैं CaSO4×2H2O, ठीक है, ये है जिप्सम का सूत्र। सिलिकॉन SI तत्व के ऑक्साइड धूल के साथ कई विषैले कण उत्सर्जित होते रहते हैं जो वायु को प्रदूषित करने के साथ साथ अनेक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, इस वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से इफेक्ट फैलते हैं। फर्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण ताप में वृद्धि हो जाएगी जिससे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और जलीय स्तर में वृद्धि होने के कारण बाढ़ आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड से निद्राकारी प्रभाव तथा श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। सेकेंड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिस CO लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती हैं जिससे O2 मिस ऑक्सीजन संवहन क्षमता कम हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और इसी से पौधों में पर वर्णपातन एक बीमारी है, पत्तियों का मुड़ना, ठीक है, कोई पूछे आपसे वर्णपातन क्या है तो पत्तियों का मुड़ना ये वर्णपातन की बीमारी है कि आकार में कमी तथा पौधे शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं। देखिए इसका रिएक्शन भी है मिस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HB, ठीक है, इसको रिएक्शन कराते तो क्या बनता है COHB, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में SO2 के अत्यधिक मुक्त होने के कारण ज्वालामुखी फट जाएंगे। उच्च सांद्रता में यह फेफड़ों में पहुंचकर दामा खांसी आदि रोग हो जाएंगे। SO2 वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित करके H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर भवनों एवं स्मारकों का संक्षारण कर देती है। संक्षारण मीन्स क्या होता है, उसको धीरे धीरे खत्म कर देती है और इसके प्रभाव से पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वो हरी भरी दिखती हैं, सुंदर सी दिखती हैं, ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है जिससे पौधे नष्ट होने लगते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड मिस NO2 के प्रभाव से मनुष्य के फेफड़ों में हृदय यकृत तथा नेत्रों के लिए घातक होते हैं और पत्तियों पर धावे पड़ जाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की दर कट जाती है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का क्षय तथा मक्खियों की मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिस HNO2 तथा HNO3 नाइट्रिक अम्ल के रूप में अम्लीय वर्षा भी करते हैं।
सेवंथ पॉइंट क्या कह रहा है, प्रदूषण में हाइड्रोकार्बन की उच्च सांद्रता मीन्स 500 से 1000 ppm पार्ट पर मिलियम। कोई पूछे ppm मीन्स तो क्या होता है, पार्ट पर मिलियम हो जाने पर फेफड़ों में जलन पैदा करती हैं तथा कैंसर उत्पन्न करती हैं। अनेक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा आँख तथा कान में जलन और श्वास संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। मीथेन एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 20 गुना अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए और हमारा वीडियो कैसे। सो फ्रेंड्स, आप उनका नेक्स्ट टॉपिक्स है वायु प्रदूषण का नियंत्रण, मीन्स वायु प्रदूषण को कैसे कैसे कम किया जा सकता है। तो वायुमंडल को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सकता है। वाह रे, कितना बड़ा पॉइंट है। क्या कह रहा है, वायुमंडल को पूर्णतः रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ हैं। क्या कहा जा सकता है उसके बारे में, परंतु वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के निम्न उपाय हैं। पहला पॉइंट क्या है, कह रहा है घरों में धुआं रहित ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, डीजल व पेट्रोल में से लेड तथा सल्फर को निकाल कर प्रयोग में लाना चाहिए। अब हम कैसे डीजल व पेट्रोल से हम लेड और सल्फर को कैसे निकालेंगे, ये लैब में काम होता है, लेबोरेटरी में काम होता है। हाँ, से काम करना बहुत कठिन और मुश्किल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, वाहनों के अंदर दहन इंजन इस प्रकार होने चाहिए कि ईंधन का पूर्ण दहन हो और प्रदूषक कम मात्रा में फैले। इसीलिए तो आपके देश में, अपने क्षेत्र में जो भी बाइक्स है वो BS6 मॉडल में लॉन्च हुई है। BS6 की एक खासियत क्या है कि उस साइलेंसर में एक बहुत अच्छा सुझाव किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिससे उस बाइक से कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में फैलेंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपना बाइक्स बेचकर BS6 बाइक्स को चलाएँ। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अत्यधिक प्रदूषणकारी पुराने वाहनों को चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगा देनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, विद्युत चलित इंजनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब तो इलेक्ट्रिक भी बाइक्स आ गई हैं, उपलब्ध हो गई हैं, कि जो कि बिना आवाज़ के एक बार चार्ज कर देंगे तो 8 घंटे वो चलेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, विद्युत चलित इंजनों का प्रयोग करना चाहिए। सिक्स पॉइंट है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट क्या है, कारखाने आबादी से दूरस्थ क्षेत्रों में लगाना चाहिए और चिमनियों में गैसीय प्रदूषकों को स्थिर विद्युत आवेश द्वारा पृथक किया जाना चाहिए। एट पॉइंट कह रहा है, मृत जीव जंतुओं एवं अवशिष्ट पदार्थों को सही समय पर नष्ट कर देना चाहिए जिससे वे पर्यावरण को प्रदूषित ना कर सकें। नाइन्थ पॉइंट कह रहा है, बस ट्रक मोटरगाड़ियों आदि वाहनों में पेट्रोल व डीजल के स्थान पर CNG मीन्स सेंट्रल नेचुरल गैस के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि बहुत रिस्की है, ठीक है। टेन पॉइंट कह रहा है, स्वचालित वाहनों से उत्पन्न धूम्र की निकास नली पर स्क्रीन या बर्नर लगाया जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ऑक्सीजन में, ठीक है। अब आता है जल प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन। स्वच्छ जल के भौतिक रासायनिक तथा जैविक गुणों में बाह्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अब जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण के मुख्य कारण निम्न हैं, कौन कौन से हैं, चलिए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जल प्रदूषण पहला है, जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों द्वारा भी होता है, मिश उत्पन्न होता है। वायु में घुलित गैसों तथा धूल के कणों का वर्षा के जल वायु में वर्षा का जल के साथ साथ मिश्रित होकर पेड़ पौधों एवं जानवरों के सड़ने बर्फ के पिघलने पर उसमें विभिन्न लवणों का धूल उसमें मिक्स हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, औद्योगिक कारखानों से निकले अवशिष्ट पदार्थ जैसे कागज की मिलों से निकले सल्फर डाइऑक्साइड व लिगनाइड वात्या भट्टियों से निकाले गए साइनाइड एवं कैडमियम CD, PB, लेड NI, निकेल HG, पारा, इसको कहते हैं मरकरी, CO, कोबाल्ट, ZN, जिंक आदि भारी धातुएं जल में मिलकर जल को प्रदूषित करती हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, नहाने एवं कपड़ा धोने में प्रयुक्त साबुन अपमार्जक
और घरों में निकला मल मूत्र, कूड़ा करकट एवं घरेलू रासायनिक पदार्थ आदि नालियों द्वारा एवं बड़े बड़े नालों द्वारा नदियों, तालाबों, झीलों में मिश्रित होकर जल को प्रदूषित करते हैं। अतः इनको दूर दूर कर देना चाहिए जिससे कि जल प्रदूषण न फैले। फिर कह रहा है पॉइंट नंबर 4, विभिन्न कीटनाशक, कवकनाशक तथा खरपतवार नाशक रासायनिक पदार्थ जैसे DDT, ठीक है, तथा BHC आदि, MCL मिस क्लोरीन एंड C6H5OH, मिस एथिल एल्कोहल, मेथाक्सी क्लोराइड, टॉक्सिन आदि कृषि कार्यों में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये सभी जल में मिश्रित होकर जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है फसलों की पैदावार में वृद्धि करने वाले एवं मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त विभिन्न रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, ठीक है। यूरिया पहला रासायनिक पदार्थ है जो कि लैब में बनाया गया था और इसका फार्मूला क्या होता है, NH2CO, ठीक है। डाई अमोनियम फास्फेट मिस NH4 आप होल्ड ट्वाइस उसको कहते हैं इंटू SO4, K2SO4 मिस पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, और कैल्शियम सुपर फास्फेट आदि वर्षा के जल के साथ साथ बहकर तालाबों, झीलों, नदियों आदि में मिश्रित होकर जल को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं, गंदा करती हैं। प्रदूषण में क्या होता है, उसको गंदा करती हैं। 6 पॉइंट क्या है, मृत जीव जंतुओं को नदियों के जल में प्रवाहित करने पर अम्लीय वर्षा एवं समुद्री तेल वाहक जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर जल प्रदूषण होता है। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, रेडियोधर्मी पदार्थों के समुद्र में नाभिकीय विस्फोट होने के कारण जल प्रदूषण होता है। ये बहुत बड़ा इफेक्ट है अपने आप में एक। फिर कह रहा है जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव, इस जल प्रदूषण से कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं, चलिए उसका स्टडी करते हैं। कह रहा है फर्स्ट, प्रदूषित जल का सेवन करने से टाइफाइड, हैजा, पोलियो तथा पेचिस आदि रोग हो जाते हैं और त्वचा रोग उत्पन्न करते हैं। सेकेंड, प्रदूषित जल से पेड़ पौधे मर जाते हैं और इनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। प्रदूषित जल से पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रदूषित जल में अम्लीय जीव जंतु, मछलियाँ आदि मरने लगती हैं और इनके कारण उत्पन्न घास, चरी आदि का सेवन करने पर पशुओं की स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मिस साइड इफेक्ट पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रदूषित जल से धातुओं को भी हानि पहुंचता है, जैसे जहाज पर जंग लगाना, वाह इस जहाज पर भी जंग लग जाती है, कितनी बड़ी बात है। पाइप, पंप आदि में जंग लगाने में इनका क्षय होना, लकड़ी की संरचनाओं का सड़ जाना, सीमेंट कंक्रीट निर्मित संरचनाओं का धीरे धीरे नष्ट होना, इमारतों का धीरे धीरे अम्लीय वर्षा द्वारा क्षय होना आदि प्रदूषण जल के दुष्प्रभाव हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रदूषित जल के प्रभाव से मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी प्रभावित होते हैं। इनमें पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है और पर्यावरण का दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे समय पर वर्षा न होने से अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी का पड़ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जल प्रदूषण का नियंत्रण, मिस जल प्रदूषण को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, घरों से निकलने वाले वाहित मल एवं विभिन्न औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले अपमार्जकों को, इन सब पदार्थों को, विषैली हानिकारक धातुओं आदि को जल में छोड़ने से पूर्व इनका पृथक्करण अवश्य करना चाहिए। एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, वाहित मल तथा विभिन्न रासायनिक अवशिष्टों को नदियों में प्रवाहित न करने से आबादी से दूर, मिस ताल या तालाबों, झील में प्रवाहित कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, दूषित जल को K2SO4, Al2SO4, फॉल्थराइज DART24H2 इंटू नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डार्ट कहते हैं, डार्ट प्रोडक्ट है। मिस ये है केमिस्ट्री का सबसे लंबा चौड़ा फार्मूला, मिस पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट और जल का 24 पार्ट होता है, इसी को कहते हैं फिटकरी, ठीक है। आदि मिस कैल्शियम ऑक्साइड, मिस चूना आदि से क्रिया करके शुद्ध कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, गोबर, कूड़ा करकट तथा अन्य अपशिष्टों को कंपोस्ट गड्ढों में ही एकत्रित किया जाना चाहिए, इससे जल का प्रदूषण से बचाव के साथ साथ अच्छे प्रकार की खाद भी तैयार की जा सकती हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, मृत पशुओं को तालाबों, नदियों आदि में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए और न ही जल स्रोतों के आसपास मलमूत्र विसर्जित करना चाहिए।
पॉइंट नंबर सिक्स क्या कह रहा है, समुद्र में परमाणु विस्फोट को पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आवश्यक होने पर परमाणु विस्फोट को समुद्र के नीचे गहराई में जाकर परीक्षण करना चाहिए। मिस यही तो कहा जाता है, साइंस जितना दे रहा है उसके साथ साथ उसका साइड इफेक्ट भी है। पॉइंट नंबर सेवन क्या कह रहा है, औद्योगिक अपशिष्टों में उपस्थित रासायनिक पदार्थों को अनुपयुक्त रासायनिक क्रिया द्वारा अवक्षेपित कर देना चाहिए। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण आता है, वो आता है सॉयल पॉल्यूशन मीन्स मृदा प्रदूषण, जिस पे हम रहते हैं धरती माँ जिसको हम कहते हैं वो भी प्रभावित होती है, वो भी प्रदूषित होती है। कैसे होती है चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। कह रहा है मृदा के भौतिक रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता को नष्ट करता है, मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण से मृदा प्रदूषण होता है, तो जनरली इसके लिए सेवन पॉइंट है। पॉइंट नंबर वन देखते हैं, घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को भूमि पर खुले में फेंकने पर मृदा प्रदूषण होता है। सेकंड, वाहित मल जल एवं गंदे पानी को सीधे भूमि पर फेंकने पर मृदा प्रदूषण होती है। थर्ड, कृषि की पैदावार में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक के प्रयोग द्वारा मृदा प्रदूषण होती है। फोर्थ, अम्लीय वर्षा से विभिन्न प्रकार के अम्ल जैसे H2SO4, HNO3, H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मिस नाइट्रिक एसिड और H2CO3 मिस इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और जल भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल भी होता है, आदि के द्वारा मृदा अम्लीय होकर रासायनिक रूप से प्रदूषित हो जाती है, रासायनिक रूप से भी हो जाती है, केमिकली इफेक्ट भी हो जाता है इनमें। बाप रे। पॉइंट नंबर फिफ्थ है, मृत पशुओं के शवों का निपटारा सही समय पर न करने से मृदा प्रदूषण हो जाती है, तो सही बात है। पॉइंट नंबर सिक्स, अस्पतालों एवं अनुसंधान केंद्रों से निर्मुक्त विषैले रसायनों एवं रेडियो एक्टिव अवशेषों को भूमि पर फेंकने से मृदा प्रदूषण होती है, अतः हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर सेवन क्या है, वनों का अत्यधिक कटान, दोषपूर्ण कृषि और अनियंत्रित सिंचाई आदि का खनिज पदार्थों जैसे कोयला खान और धातु प्रगलन अवशेषों को भूमि पर निर्मुक्त करने से मृदा प्रदूषण भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मृदा प्रदूषण का नियंत्रण मिस मृदा जो प्रदूषण हो रही है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट है। पहला है, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जैसे पॉलीथीन, कागज, कांच के टुकड़े, कूड़ा करकट आदि का नियमित नगर पालिका द्वारा उठाकर उचित निस्तारण किया जाना चाहिए। सेकेंड, उर्वरक के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड, कल कारखानों व अन्य औद्योगिक संस्थाओं से अपशिष्ट पदार्थों तथा वाहित मल एवं गंदे जलों को पूर्ण उपचार करके उन्हें मृदा में विसर्जित किया जाना चाहिए। फोर्थ, नाभिकीय विस्फोट भूमि पर नहीं किए जाने चाहिए। फिफ्थ, जलाशयों में जलकुंभी जैसे जलीय पौधों को उगाया जाना चाहिए जो दूषित जल को कुछ सीमा तक शुद्ध कर सकते हैं नेचुरली रूप से। ठीक है, सिक्स, मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट मिश्र NaNO3 उर्वरक आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। एट, फसलों का चक्रीय क्रम से अपनाकर गहरी एवं उथली जड़ों की फसलों का प्रयोग करके खेत को कुछ समय के लिए बिना फसल के रखना चाहिए। मृदा की संतुलित उपयोग की तकनीकों से अनावश्यक जल के रुकाव द्वारा मृदा प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर सेवन, मृदा के कटाव को नियंत्रित करके उनके खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर नाइन्थ क्या कह रहा है, सुलभ शौचालयों तथा स्वप्रवाहित शौचालयों की व्यवस्था करके खुले स्थानों पर शौच पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, धूम कोहरा क्या होता है, धूम कोहरा का डिफिनेशन क्या होता है, इसका स्टडी करते हैं। कह रहे हैं इसको क्या कहते हैं, स्मोग, धुआं तथा कोहरा। धुआं तथा कोहरा शब्द से मिलकर धूम कोहरा बना है। यह धुएं, धूल के कण तथा कोहरा को छोटी छोटी बूंदों का मिश्रण होता है। औद्योगिक शहरों में यह प्रमुख वायु प्रदूषक है। यह दो प्रकार का होता है, धूम कोहरा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है रासायनिक धूम कोहरा, या इसी को कहते हैं लंदन स्मोग।
इसमें धुआं कुंवरे से प्राप्त जल SO2 NS4 अफोल NS4 अफोल ट्वाइस इंटू SO4 मीन्स अमोनियम सल्फेट आदि अवयव होते हैं। यह गहरे रंग की वायु होती है जिससे दृश्यता कम होती है। इसके कारण आंखों तथा त्वचा में जलन होती है तथा सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़ों पर तथा वनस्पतियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है लंदन स्मोक के कारण। और सेकंड क्या है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा या इसी को कहते हैं लॉस एंजेलिस कोहरा। यह प्रायः उन स्थानों पर होता है जहाँ की जलवायु गर्म एवं शुष्क होती है। इसका प्रमुख अवयव N2 की ऑक्साइड NO2 हैं। इनके अतिरिक्त इनमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड पराक्सी एसिलीन नाइट्रेट PAN ठीक है, मिस पराक्सी एसिल नाइट्रेट PAN इसका शॉर्ट फॉर्म है, O3 ओजोन H2O2 मिस जल CO कार्बन मोनोऑक्साइड ETC घातक पदार्थ होते हैं और इनके प्रभाव से आंखों में जलन एवं श्वसन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनमें कोई धुआं या धुंध नहीं होता है। ये तो बहुत बड़ी साइड इफेक्ट है इसकी, ठीक है। फिर आता है अम्लीय वर्षा स्टिकरैन। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, ठीक है, पढ़ते हैं। कह रहा है सामान्य वर्षा के जल का pH मान लगभग 5.6 से 6 के मध्य होता है तथा वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होने पर यह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा में मुख्यतः प्रबल अम्ल HNO3 H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड H2CO3 में हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती हैं जो क्रमशः NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl2 मिस क्लोरीन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की जल से क्रिया करने के फलस्वरूप बनती हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव, अम्लीय वर्षा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं इसका स्टडी करते हैं। तो अम्लीय वर्षा से शायद बहुत सारे प्रदूषण फैलना चाहिए, बहुत सारी साइड इफेक्ट पड़नी चाहिए, चलिए उसका पढ़ते हैं। फर्स्ट है अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की अम्लीयता क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है तथा पेड़ पौधे भी नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। सेकेंड, इसके कारण नदी झील तालाब एवं समुद्री जल में अम्लीयता बढ़ने से मछलियाँ एवं अन्य जलीय जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे उनकी मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। थर्ड क्या कह रहा है, इसके कारण जल तथा भोजन दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं जिनका मानव जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, समझो। फोर्थ, अम्लीय वर्षा धातुओं का संक्षारण भी कहती है, जिससे धातुओं की चमक क्या होती है, नष्ट होने लगती है। ऑटोमेटिकली नहीं होती है लेकिन धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। पॉइंट नंबर फिफ्थ, अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतों मूर्तियां भवन आदि भी संक्षारित हो जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है, क्या कहता है, ओजोन और ओजोन परत, मिस ओजोन का फार्मूला क्या होता है O3 और ओजोन परत के बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि कहां से लेकर कहां तक ओजोन परत का फैलाव होता है और क्या उसका कार्य होता है, ठीक है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में पृथ्वी की सतह से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 25 किलोमीटर की मोटाई की ओजोन गैस एक परत के रूप में समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण अवयव है, ठीक है। यह ओजोन पर हानिकारक परावैगनी किरणों एवं अन्य हानिकारक किरणों को अवशोषित करके सूक्ष्म तक कवच के रूप में कार्य करती है। इससे पृथ्वी की सुरक्षात्मक कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं। परावैगनी किरणों से जीवित कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, इससे त्वचा पर कैंसर का खतरा रहता है। ओजोन परत का निर्माण एक स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिया है, नेचुरल रिएक्शन है। वायुमंडल में इसका निर्माण परावैगनी किरणों मिस 260 AM नैनोमीटर से छोटी तरंग दैर्ध्य द्वारा O2 ऑक्सीजन अणु के वियोजन द्वारा होता है। रिएक्शंस देखते हैं, O2 HB रिएक्शंस है O+O, ठीक है, मिस H2O+O में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए वहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी होता है, अब प्लस O भी आ जाता है, मिस रिएक्शन करता है O3 बन जाता है। क्या है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द ओजोन लेयर, तो यू कैन इजली डिफाइंड एज द फार्मूला ऑफ ओजोन इज O3 एंड कैसे होता है इस रिएक्शंस को हम बता सकते हैं, ठीक है। O3 का निर्माण एवं विघटन क्रिया O3 चक्रण कहलाता है। ओजोन छिद्र, अब देखिए ओजोन परत तो है
अब इसमें भी एक साइड इफेक्ट आ गया कि उसमें छिद्र हो गया भाई। वो छिद्र कैसे हुआ है उसका डिटेल्स स्टडी करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में O3 परत में ओजोन की कमी हो रही है तथा यह कुछ स्थानों पर पतली होती जा रही है तथा इसमें एक छिद्र हो गया है जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं। दक्षिण ध्रुव के ऊपर सन 1984 में वैज्ञानिकों ने ओजोन परत में 4 किलोमीटर व्यास के O3 छिद्र का पता लगाया था। इस O3 छिद्र में प्रत्येक 1 सेंटीमीटर वृद्धि से लगभग 40,000 लोग परावैगनी किरणों से उत्पन्न बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों के पृथ्वी पर पहुंचने के कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारियां का खतरा बढ़ गया है। ठीक है, फिर आ गए हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस क्या है इसका स्टडी करते हैं और उसका क्या साइड इफेक्ट है और उसकी क्या उपलब्धि है इसको पढ़ते हैं। CFCs मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यौगिक O3 परत के विनाशक के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इन्हें फ्रियांस भी कहते हैं। CFC परिवार के सदस्य CFC11, CFC12, CFC113, CFC114, CFC115 आदि हैं। ये अक्रिय, गंधहीन, अज्वलनशील तथा लंबी अवधि तक बढ़ते रहने वाले कार्बनिक रसायन है। ये मुख्य रूप से वातानुकूलन व प्रतिसत्तन प्रणालियों में प्रयुक्त होते हैं और इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग छिड़काव यंत्रों में, प्रणोदक दवाइयों में, जीवाणु रोधक व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में, उष्मी रोधी वार्ड बनाने में, फूम में, आग बुझाने यंत्रों में, फिर फास्ट फूड पैकिंग एवं एरोसोल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साफ करने आदि में किया जाता है। इसका क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस का यह क्षोभ मंडल में बिना अपघटित हुए लगभग 100 वर्ष तक रह सकते हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। परंतु जब ये वायु द्वारा समताप मंडल को पहुंचाते हैं तो वहां पर, जब ये समताप मंडल में आते हैं वायु के साथ में, तो वहां पर सूर्य के परावैगनी विकिरणों द्वारा उनकी प्रकाशीय विघटन होता है और परमाणविक क्लोरीन के रूप में मुक्त मूलक प्राप्त होता है। जैसे इस रिएक्शन को समझिए, ये रिएक्शन क्या कर रहा है, कह रहा है CF2Cl2 जब क्रिया करता है समताप मंडल में वायु के साथ तो क्या बनाता है, Cl+ CF2Cl। फिर क्या कर रहा है, ये मूलक ही ओजोन परत के असली शत्रु हैं। यही मूलक जो हैं ओजोन परत के असली शत्रु हैं जब समताप मंडल में वायु के संपर्क में आते हैं। एंड Cl मूलक ओजोन को विघटित करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड CLO क्रिया करके मुख्य Cl का निर्माण करते हैं और ये रिएक्शंस आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, Cl+O3 रिएक्शन किया तो CLO मीन्स क्लोरीन ऑक्साइड प्लस O2, और यहाँ पर से क्या हुआ, हीट। हीट क्या है, इनर्जी है। ठीक है, ये पूछे हीट क्या है, हीट क्या है, इनर्जी है। और यहाँ से यदि इसको अपघटित करते हैं, O3 अपघटित हो गया O+O2+O में, फिर देखिए रिएक्शन कर रहा है Cl+ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या बन रहा है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन अलग हो जा रही हैं। एक क्लोरीन ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करने की शक्ति रहता है। बाप रे बाप। फिर क्या कह रहा है, ओजोन परत के अपक्षय के दुष्प्रभाव मीन्स ओजोन परत जिसके कारण से अपक्षयित हो रहे हैं उसका दुष्प्रभाव क्या है उसको स्टडी करते हैं। क्या कह रहा है, फर्स्ट O3 छिद्र से यूवी विकिरणों की पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर ये सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को कैंसर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मनुष्य को, मनुष्य में त्वचा का कैंसर उत्पन्न होता है इससे। सेकंड क्या कह रहा है, यूवी किरणें प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करती हैं जिससे विषाणु संक्रमण में वृद्धि हो जाती है। थर्ड, त्वचा के निस्तक रुधिर वाहिकाएं अधिक रक्त का वहन करती हैं जिससे त्वचा लाल होकर सूज जाती है। यूवी किरणें अनुवांशिक पदार्थ DNA, ठीक है, DNA और RNA। RNA क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, परिवर्तन करके धातु प्रभाव डालती हैं। फिर क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 5, यूवी किरणों से लुकमिया, स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, एडिमा, अंधापन, समय से बूढ़े से
समय से पूर्व क्या होता है, बुढ़ापा उत्पन्न हो जाता है और भी बीमारी होने की संभावना रहती है। सिक्स क्या कह रहा है, यूवी किरणें स्थलीय पेड़ पौधे, फसल, मछलियाँ व अन्य जलीय जीव जंतुओं को प्रभावित होते हैं और इनकी संख्या में अत्यधिक कमी होती जा रही है। ठीक है, सेवंथ क्या कह रहा है, फ्रियान CFCs मिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्रियानी है, सूर्य की गर्मी को अवशोषित करके तथा अत्यधिक ताप में ध्रुवीय बर्फों को पिघलने से समुद्र एवं अन्य जल स्रोतों के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे समुद्र तटीय शहरों के लिए खतरा उत्पन्न होता है और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। उसके बाद आ जाता है हरित गृह प्रभाव। देखिए इस वीडियो में की स्टार्टिंग में ये आया था हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए उसका स्टडीज यहाँ पर हम डिटेल्स स्टडी करते हैं। हरित गृह प्रभाव, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने वाले प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है, इसके अतिरिक्त मेथेन CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन CFC-11 तथा CFC-12 आदि गैसें हैं। इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो जा रही है, इसे ही हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित गृह प्रभाव को कम करती है, जबकि वनों का विनाश इससे बढ़ सकता है। और देखिए हरित गृह जो प्रभाव, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि धुओं पर 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रातें होती हैं, तो वहाँ पर पौधे उगाना, फसलों को बोना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना लो होता है, इतना वीक होता है कि वहाँ पर बीज नहीं उग पाते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर शीशे का घर बनाया जाता है और जब धूप होती है ध्रुवों पर तो उस धूप को उस शीशे के अंदर पैक कर दिया जाता है उस गर्मी को, और उसमें बीज की बुआई होती है, जिसके कारण से वहाँ पर पेड़ पौधे और फसलें उत्पन्न होती हैं। समझ में आया हरित गृह प्रभाव के दुष्प्रभाव। इनका जलवायु पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण विगत 50 वर्षों के औसत तापक्रम में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। यदि यही स्थिति रही तो सन 2050 तक पृथ्वी के तापक्रम में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी, जिससे आर्कटिक एवं अंटार्कटिक के विशाल हिमखंड पिघल जाएंगे, जिससे संपूर्ण विश्व में समुद्र तटीय डूब जाएगा। तो ठीक है, इसके अतिरिक्त तूफान की तीव्रता पर बढ़ने से लेगोन तथा मूंगे की चट्टानें नष्ट हो जाएंगी। सेकंड, इसके प्रभाव से वैश्विक उष्मन मिस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि, मौसम में भयंकर बदलाव आएगा, सूर्य की किरणें कैंसर जैसे भयानक रोग को जन्म देंगे, कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं हवाएं चलेंगी और कहीं भीषण तूफान तो कहीं बाढ़ आएंगे। थर्ड, इसके प्रभाव से वायुमंडल के गर्म होने पर जलवाष्प की धारण करने की वायुमंडल की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वर्षा अधिक होता है, जो पेड़ पौधे व अन्य जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव डालती हैं। फोर्थ, हरित गृह प्रभाव के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है तथा यह अत्यंत स्थानांतरित हो जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी पर 12 करोड़ वर्षों तक राज्य करने वाले डायनासोर नामक दैंतकर जीव समाप्त होने के कारण संभवतः हरित गृह प्रभाव ही था, मीन्स हरित गृह प्रभाव के कारण ही वो मरे थे, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, हरित गृह प्रभाव पर नियंत्रण, मीन्स हरित गृह प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसका स्टडी करते हैं। तो कह रहा है हरित गृह प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके निम्न उपाय हैं, पहला जीवाश्म ईंधन, हरित गृह प्रभाव के साथ साथ अम्ल जमा उत्तरदायी हैं, अतः जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा का अत्यधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, ऐसा हो भी रहा है आजकल। इसके अतिरिक्त H2 गैस का भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक स्रोत है। सेकंड, शक्ति केंद्रों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को छान कर इसे अन्य रासायनिक रूप में परिवर्तित करके महासागरों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए जनमानस को प्रेरित कर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं और बदले में वायु प्रदूषण में CO2 मुक्त करते हैं। फोर्थ, हरित गृह प्रभाव एवं वैश्विक उष्मन की समस्या के समाधान के लिए
सामान्य को जागरूक करने के साथ साथ बढ़ते औद्योगिक में प्रकृति से छेड़छाड़ को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। इससे क्या होगा, हरित गृह प्रभाव पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। फिर कह रहा हरित रसायन। अब देखिए हरित रसायन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए रसायन विज्ञान के उपयोग को हरित रसायन कहते हैं। फ्रेंड्स आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आई होप ऐसा हमको फील हो रहा है, क्योंकि आपको एक सरसरी निगाह से इस वीडियो पर फोकस किया जा रहा है। यदि आप एक बार इस पर ध्यान दे देते हैं तो आप काफ़ी अच्छा पकड़ कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकते हैं। हरित रसायन के सिद्धांत, हरित रसायन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके अंतर्गत आग एवं विस्फोटक मौसम व जलवायु परिवर्तन, कार्बनिक यौगिकों का औद्योगिकरण, क्षय, प्रदूषक रसायनों का जमाव, आधुनिक जीवन शैली तथा आदतों आदि समस्याओं के समाधान एवं निराकरण के लिए हरित रसायन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं। पहला, पर्यावरण मिश्र रसायनों का उपयोग किया जाना चाहिए। सेकंड, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण की ऐसी विधियों का निर्माण करना जो पर्यावरण मिश्र हों। थर्ड, निर्मित अपशिष्ट पदार्थों के उचित निस्तारण से अच्छा है कि उनके निर्माण को ही रोका जाए। फोर्थ, नए बायो तकनीकी उपयोग की खोज करना। फिफ्थ, विनाशकता कम करने के लिए कार्य क्षमता को रासायनिक पदार्थ मिलाकर सुरक्षित करना चाहिए। और अब देखिए सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, समाप्त होने वाले स्रोतों के स्थान पर पुनर्मानवीकरण हो सकने वाले स्रोतों की खोज करना। सेवंथ, उद्योगों तथा कारखानों में उत्पादन के ऐसी उपाय तथा विधियां विकसित करना जिससे प्रदूषण की रोकथाम हो सके। सेवंथ हो गया। एट पॉइंट देखिए, ऐसे रासायनिक पदार्थों को निर्मित करना चाहिए जो कार्य पूर्ण होने पर वातावरण में न रहें और इनका हानि रहित विघटन हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हरित रसायन की उपलब्धियाँ, मिस हरित रसायन की कौन कौन सी उपलब्धियाँ भी हैं, इनकी उपलब्धियाँ भी हैं, चलिए देखते हैं क्या कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, शुष्क धुलाई में प्रयुक्त विलायक के रूप में टेट्राक्लोरोएथीन का उपयोग किया जाना चाहिए। यह जल को प्रदूषित करने के साथ साथ कैंसर जनक भी होता है, परंतु इसके स्थान पर द्रव CO2 अपमार्जक के रूप में उपयोग होता है तो जल प्रदूषित नहीं होता है और परिणाम भी अच्छे प्राप्त होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, पेट्रोल व डीजल के स्थान पर H2 के उपयोग द्वारा वायु प्रदूषण को अधिक मात्रा में नियंत्रित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड, कपड़ों के विरंजक, रंगाई हेतु उपयुक्त विरंजक चूर्ण में CaCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसे कहते हैं के स्थान पर हाइड्रोजन पराक्साइड मिस H2O2 को प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें जल की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, कह रहा है CFC3 यौगिकों के स्थान पर H2 यौगिकों का उपयोग किया जा सकता है और यह पर्यावरण मिश्र के रूप में है और यह हर प्रकार से उचित एवं श्रेष्ठ माना जा रहा है। पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या कर रहा है, कह रहा है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए SO2 को तप्त कोयल पर प्रभावित करके SO2 को या का यस में अपचयन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इसके रिएक्शन भी देख लीजिए। मिस कार्बन प्लस SO2 ये रिएक्शन कर रहा है 1073 केल्विन पर, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर अलग हो जा रहा है। अब देखिए पॉइंट नंबर सिक्स क्या कर रहा है, मेलबोर्न स्थित बैक्टीरिया तकनीकी विश्वविद्यालय जैसे कार्बनिक विलायकों को तैयार किया जाना चाहिए। सॉरी एक बार और देखिए, मेलबोर्न स्थित बैक्टीरिया तकनीकी विश्वविद्यालय में शोध करके जलीय इमल्सन टालुविन जाइलिन जैसे कार्बनिक विलायकों को तैयार किया गया है। ये विलायक न तो पर्यावरण प्रदूषित करते और न ही मानव को हानि पहुंचाते हैं, बहुत बड़ी बात है। पॉइंट नंबर सेवंथ क्या कह रहा है, सघन CO2 मिस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सीमेंट को मजबूत करने तथा कोयल के प्लांट में उत्सर्जन कम करने में किया जाता है। इसका प्रयोग भोजन उद्योग में भी किया जाता है। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण में हरित रसायन एक महत्वपूर्ण प्रयास है एवं इसके परिणाम अत्यधिक उत्साहवर्धक हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ और हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, इसके लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। द एंड।